नमस्कार दोस्तों, मछली लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ ओवर टाइम के बारे में। कई लोग ने सवाल किया था, भाई ओवर टाइम के लिए बता दो कि कितना मिलता है पैसा अगर हम शिप पे ओवर टाइम करते हैं, तो कितना डॉलर हमको एक्स्ट्रा बनता है। तो मैंने बनाई है वीडियो, शायद से आप लोग देखो कि नहीं, लेकिन कई लोग ने बोला कि भाई बना दो दोबारा, तो मैं फिर से बना दे रहा हूँ ये वीडियो। ओवर टाइम देखो, जब आप कोई टैंकर वेसल्स पे जा रहे हो, या कोई केमिकल टैंकर्स पे जा रहे हो, या कोई भी वेसल्स पे जा रहे हो, ये नहीं कि टैंकर की बात कर रहा हूँ, कोई भी वेसल्स पे जा रहे हो, कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, पहली बार तो आपको ओवर टाइम तो नामुमकिन है। जब आप एक दो सेल के बाद ही आपको ओवर टाइम मिल सकता है, जब भी एक दो सेल मार लिया आपने, तो उसके बाद ही आपको मिल सकता है ओवर टाइम। जो भी बड़ी कंपनियां वो देती हैं ओवर टाइम, जितनी टॉप ITF कंपनी है, NY के हो गए, AT हो गई, फीट हो गए, एंग्लो हो गए, ये सब जितनी बड़ी कंपनियां वो सब ओवर टाइम देती हैं। तो ओवर टाइम का हिसाब बताता हूँ क्या होता है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, वहाँ पे एक लिखा रहता है फिक्स्ड ओवर टाइम। कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सारा डिटेल लिखा रहेगा उसमें। एक नीचे से ऑप्शन रहता है फिक्स्ड ओवर टाइम। तो जब भी आप महीने में जैसे 30 ओवर टाइम कर रहे हो, मतलब महीने 30 30 30 दिन होता है महीने में, और एक दिन में आप 2 घंटा एक्स्ट्रा करते हो, अगर 8 घंटे की ड्यूटी आप 2 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो 10 घंटे हो गए। तो 2 घंटा होगा उसका $4 बनेगा, 1 घंटे का 1 डॉलर, और 1 घंटे का 4 डॉलर, और 2 घंटे का 4 डॉलर। तो बेसिक हो गया 7 या 10 डॉलर, लमसम हो जाता है 10 डॉलर तक आपका बन जाता है। तो एक दिन का वो $10 हुआ, तो महीने का समझ लो 10 × 30 कर दो तो कितना होगा, $300 आपका बन जाएगा। तो वो $300 आपके उसमें जो आपका जो सैलरी होगा उसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपकी सैलरी 1340 है कॉन्ट्रैक्ट पे, तो 1340 में वो 300 और ऐड हो जाएगा, तो जो $300 लमसम कितने हो गए आपका, हो जाता है 20,000 तक हो जाता है, 20-22 हज़ार रुपये वो ऐड हो जाएंगे आपके जो करंट सैलरी होगा। जैसे $1300 आपको मिल रही है, बेसिक हो जाता है 70-80 हज़ार हो जाएगा, तो उसमें ये भी ऐड हो जाएगा। तो बेसिक यही है कि ये जो फिक्स्ड ओवर टाइम होता है वो ऐड हो जाता है आपके करंट, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होती है वो सैलरी पे वो ऐड हो जाता है। तो वो आपको पैसा, आपको जब वो हो जाएगा आपका मंथली वो इनकम आ जाएगी, इंक्रीमेंट आ जाता है, लिस्ट आ जाता है, तो आपके बैंक अकाउंट में वो चली जाएगी। तो कई लोग, और सवाल था कि भाई मंथली सैलरी मिलती है या साल की सैलरी मिलती है, तो जो सैलरी होगी वो 28 तारीख को आपके अकाउंट में चली जाती है। जो भी 28 तारीख को सैलरी आती है वो आपके अकाउंट में चली जाएगी, आप उससे कुछ भी कर सकते हो, चाहे इंडिया से निकालो या बाहर से निकालो। और कई लोग को ये भी डाउट था कि हमको कुछ शॉपिंग करनी है तो हमको पैसे कौन देगा। तो पैसे ये हिसाब है कि जब भी आपको कुछ भी खरीदना है, पोर्ट से खरीदना है, तो आप कैप्टन के पास जाओ, अगर उस आपसे OT मांग लो, और जो भी आपका सैलरी है उसमें से आप ले सकते हो अपना पैसा, आप बाय हैंड ले सकते हो, क्योंकि शिप पे कैश रहता है, कम से कम 20-30 हज़ार डॉलर कैश रहता है। वो मास्टर के सेफ में रहता है, जो मास्टर का एक रूम होता है उसमें डॉलर्स में सैलरी पड़ी रहती है, डॉलर्स में। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको $100 चाहिए, $200 चाहिए, वो कैप्टन के पास जाओगे, सर मेरे को इतने पैसे चाहिए मेरे को शॉपिंग करने का, तो आपको मिल जाएगा वो पैसा। बेसिक यही है फंडा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हो, जाके कैप्टन के रूम पे जाओ, आप अलाउड है, और बाय हैंड आप ले सकते हो। आप कुछ भी शॉपिंग करनी है, जो आप पैसे लोगे, $200-$300 जो आपको कैप्टन देगा, वो सैलरी में आपका डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आपने $300 ले लिया, आपकी सैलरी है $1300, तो $300 आपका डिक्रीज होकर $1000 ही आपके अकाउंट में जाएगा, $1000 जो आपका वो, तो कैप्टन मेल कर देता है कि हाँ। तो बेसिक यही है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप कैप्टन के रूम में जाके पैसे ले सकते हो, जितने भी डॉलर की ज़रूरत पड़े, जैसे $100, $200, $300, $1000, तो आप जाके ले सकते हो, मांग सकते हो, आपको पैसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैप्टन कोई रोक नहीं कर सकता। तो बेसिक यही है कि, और भी एक क्वेश्चन था वो भी मैं भूल गया बताना, वो बता दूँ कि लोग ये पूछ रहे थे कि जब 6 मंथ का जैसे कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 मंथ की सैलरी मिलेगी, और 6 मंथ जब घर पे बैठेंगे तो उसकी भी सैलरी मिलेगी। तो बेसिक ये बता दूँ, जितने मंथ का आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उतने ही मंथ की सैलरी मिलेगी। जैसे आपका 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है तो 9 मंथ की सैलरी मिलेगी, और पर मंथ की जो सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, ऑन 28 तारीख को लमसम आ जाती है आपके अकाउंट में। जब जो 3 महीना आप घर पे बैठोगे उसकी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये लोग, कई लोग का डाउट था यार, मैंने फिर से बना दिया। तो जो भी आपका लीव वेजेस है वो नहीं मिलता जब आप घर पे आओगे, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो उसके बाद आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन से आपने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया तो उस दिन से आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जितने डाउट थे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया इस वीडियो में, अब बार बार नहीं बनाऊंगा, मैंने बता दिया। अब जो भी था, छोटी सी वीडियो मैंने ये बनाई आप लोग को समझाने के लिए, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने बना दी। तो जो भी है क्लियर हो गया होगा आप लोग का डाउट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।